अस्सलाम वालेकुम, मैं अबुजर खान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मली लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने क्या किया, एंड देन फाइनली हम बात करेंगे कि आपको फिर क्या करना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जब उनका एडमिशन नहीं हो पाता मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में, तो फिर उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। तो लोग जो काम करते हैं वो ये है कि इंडिया में एक सर्वे किया गया, वहाँ पर ये सामने आया कि भाई हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो हर साल सुसाइड कर लेते हैं कि जब उनका मेडिकल में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाता, जब उनका एक आधा परसेंटेज भी मार्क्स कम आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सुसाइड कर लेते हैं, और जो सुसाइड नहीं करते वो बेचारे फिर डिप्रेशन में रहते हैं और आने वाले 3-4 साल तक वो फिर डिप्रेशन में ही रहते हैं कि हमने तो ये करना था और हमसे ये नहीं हो पाया। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी किस्मत में इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं लिखा, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं कि फिर ट्राई करते हैं। बहुत से वैसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो 2-3-4 साल तक जो है ना वो MCAT के टेस्ट देते रहते हैं कि हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और हमने डॉक्टर बनना है। और फिर जब एट लास्ट उनका एडमिशन नहीं हो पाता यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो क्या करते हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने मैट्रिक में की होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में की होती है, दिन रात एक किया होता है, तो फिर जब उन्हें किसी और फील्ड में जाना पड़ता है तो वो बेचारे वहाँ जाकर मायूस हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर पढ़ना ही वो जो है ना वो छोड़ देते हैं और बस समझते हैं कि यार अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं कि जो स्टूडेंट्स करते हैं कि जिनके दिलो दिमाग में ये क्रेज़ होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, तो ऐसा क्रेज़ क्यों है? मैंने ये कुछ स्टूडेंट से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों हम इंजीनियरिंग के हवाले से, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ट्राई करते हैं, और इंजीनियरिंग 2020 में वो करनी चाहिए या नहीं, वो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको कहीं ना कहीं ऊपर मिल जाएगा, वो भी आप देखिएगा। अच्छा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं मेडिकल का क्रेज़ होता है बहुत से स्टूडेंट्स को, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ऐसे स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा होता है कि हमने बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। तो सबसे मेन जो वजह सामने आई वो ये थी कि स्टूडेंट्स ये कहते थे कि भाई देखें, दूसरे जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितनी भी डिग्री होल्डर्स हैं, वो बेचारे जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। ठीक है, डिग्री उन्होंने कर ली है, MPhil कर ली है, या PhD कर ली है, लेकिन जॉब उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो इससे क्या होता है कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, और जब फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह पर हम लग जाएंगे, अच्छी सैलरी भी होगी, हमारे बच्चे जो हैं शादी अच्छी जगह हो जाएगी, बच्चे बुच्चे जो है ना वो हमारे ठीक रहेंगे। ठीक है, तो ये एक उनकी अप्रोच होती है। तो दूसरी एक जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मेरा दिल करता है कि हम जो है ना वो इंसानियत की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जो ये दो चीज़ें ही मैंने जितने भी स्टूडेंट से पूछी है, मोस्टली ये दो चीज़ें मेरे सामने आई। एक ये थी कि वो कहते थे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, दूसरा ये कह रहे थे कि हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। तो जहाँ तक बात रही आपके पहले पॉइंट की कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं क्योंकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो देखें आप मुझे एक डॉक्टर का नाम बताएं कि जो दुनिया के 10 अमीर तरीन बंदों में जिसका नाम आता हो। चले 10 छोड़ें, पहले 100 अमीर तरीन बंदे दुनिया के ऐसे कि जो डॉक्टर भी हो और दुनिया के 10 और 100 जो है ना वो अमीर तरीन बंदों में उसका नाम भी हो, कोई एक आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। वो दूसरी ही फील्ड्स के हैं। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई IT का बंदा है, कोई किसी और फील्ड का बंदा है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं वो बदल रहे हैं। अगर आप ये बात मुझसे 20, 25 साल, 30 साल पहले कह रहे होते हैं या 50 साल पहले कह रहे होते कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने सिक्योर फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ, तो शायद ये बात आपकी वैलिड होती, क्योंकि तब वाकई ही डॉक्टर्स बहुत पैसा कमा रहे थे, क्योंकि तब बस गिनी चुनी कुछ 8-10 फील्ड्स थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाइवर्सिटी आ चुकी है और जो पैसे कमाने का जो एक तरीका है वो भी बदल चुका है। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी डॉक्टर बनता है वो बस लाखों रुपये कमा रहा होता है दिन के या महीनों के, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चंद एक जो डॉक्टर बन जाते हैं उनमें से भी चंद एक ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि आप डॉक्टर बन गए, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप पता नहीं कितने पैसे कमाना शुरू कर देंगे, एक चीज़ थी। दूसरी फिर जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इंसानियत की खिदमत हम करना चाहते हैं, तो भाई देखें सिर्फ डॉक्टर बन के आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं कि जो इंसानियत की खिदमत के लिए बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, अभी जितनी ही इंसानियत की खिदमत बिजनेसमैन करता है, मेरा नहीं ख्याल कि उतने ही डॉक्टर कर रहे होंगे। अभी एक बिजनेसमैन कोई कहीं पर इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाता है तो वहाँ पर कितने बंदे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कितने बंदे वहाँ पर काम करते हैं, तो जितने बंदे वहाँ पर काम करते हैं हज़ारों के हिसाब से बंदे वहाँ काम अगर करेंगे तो वो हज़ारों घर जो हैं वो उनका सर्किट चलेगा। ठीक है, एक एक फैक्ट्री या एक बिजनेसमैन की वजह से, तो जितनी खिदमत वो एक बिजनेसमैन कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उतनी वो डॉक्टर भी कर रहा है।
तो ये बात है कि आप लोग समझें कि सिर्फ डॉक्टर बन के हम ये सब काम नहीं कर सकते, और भी किसी फील्ड में जाएं तो हम ये काम कर सकते हैं। बेसिकली हमारे माइंड में ऐसा स्केच क्यों है, क्योंकि हमने दूसरी फील्ड्स को कभी डिस्कस किया ही नहीं है, हमने दूसरी फील्ड्स को कभी अंडरस्टैंड किया ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, और बचपन से ही हमारे माइंड में बस ये कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया जाता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बस फिर उसी चीज़ को हम ले कर चल रहे होते हैं और बस अपनी लाइफ सारी की सारी उससे हम तबाह कर देते हैं इसी एक चीज़ की वजह से कि हमने डॉक्टर ही बनना है। अभी यहाँ पर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता चलूँ कि मैंने क्या किया था। एक्चुअली ना इंजीनियरिंग मेडिकल में तो खैर मेरा उसका क्रेज़ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनको मैं अचीव करना चाह रहा था, ठीक है, मेरे कुछ वो प्लान्स थे या गोल्स थे कि जिनको मैं अचीव करना चाह रहा था, लेकिन बस कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मैं वो चीज़ें हासिल नहीं कर सका, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया और अभी मोनेटाइजेशन भी मेरी इनेबल हो गई है। बहुत हार्ड वर्क मैं जो है ना वो कर रहा था, शायद अगर वो चीज़ें कि जो मैं अचीव करना चाह रहा था वो मुझे मिल जाती तो मैं यहाँ पर YouTube पर काम नहीं करता, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली मैंने उन वहाँ से मोटिवेशन ली गई, यार मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकी तो मैंने अपना सारा काम जो है वो यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर अब मैंने जो है ना वो हार्ड वर्क करनी है। तो यहाँ पर मैं अभी 7-8 महीने हो गए हैं काम कर रहा हूँ उसी मोटिवेशन की वजह से कि मुझे वो चीज़ अचीव नहीं हो सकी तो मैं यहाँ पर इसको अचीव करूँगा। और यकीन करें कि जो चीज़ें मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा था अगर वो मुझे मिल जाती तो शायद इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे वो नहीं दे सकती थी कि जितनी मुझे ये यूट्यूब दे रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर लेना अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, ये बात मैं नहीं कह रहा, अब मैं बताते हैं कि आपने करना क्या है। मैं जस्ट आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं अगर चंद चीज़ों को अचीव नहीं कर सका तो मुझे उससे बहुत बेहतर चीज़ मिल गई है, ठीक है। ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मतलब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है, और शायद फ्यूचर में चल के YouTube से मैं ऐसी चीज़ें कर पाऊँ कि जो शायद मैं उस अपनी जो ख्वाहिश थी उस वो अगर मुझे मिल जाती तो मैं वो सब कुछ ना कर पा रहा होता। अब इस बात पर आते हैं, लास्ट बात पर, कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी आप डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है कि भाई मैं ये अगर मेरी किस्मत में ये नहीं है तो मैं ये सब कुछ नहीं बन सकता, मैं इससे बेहतर जो है ना वो डिज़र्व करता हूँ और मैं इससे बेहतर कुछ ना कुछ हासिल करूँगा। पहले तो एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद देखिए कोई अगर बंदा एक डॉक्टर बनता है ना तो सिर्फ उसके नाम के साथ डॉक्टर लगा देने से उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। अभी मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दूँ तो मुझे लोग मेरी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि एक बंदा डॉक्टर बनता है तो वो सारी उसके लिए उसके पीछे एक हार्ड वर्क होता है, सारी दिन रात की मेहनत होती है, फिर एक बंदा जाके डॉक्टर बनता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी अभी एक एम बना लेना है कि यार मैंने भी मेहनत करनी है। अगर डॉक्टरेट के अलावा, मेडिकल के अलावा किसी और चीज़ में आपका एडमिशन हुआ है तो बस उसमें आप डिसाइड कर लें कि मैंने भरपूर मेहनत इसमें करनी है और अपना 100% इसमें पुट करना है। अपने चैनल के थ्रू पहले भी मैं बहुत दफ़ा का बात कर चुका हूँ, एक काम तो आपने ये करना है, जहाँ फिर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जहाँ भी आप जाएंगे उसमें 100% आपने देना है और फिर आप देखें कैसे आपको उसका रिजल्ट मिलता है। एक काम ये करना। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने कोई ना कोई एक साइड एक्टिविटी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं स्टडीज़ के साथ साथ ये यूट्यूब कर रहा हूँ, आप लोगों ने कोई ना कोई एक साइड एक्टिविटी स्टार्ट कर लेनी है। और फिर उस साइड एक्टिविटी पहले तो ये होगा कि आप शौक के तहत वो कर रहे होंगे, लेकिन बाद में फिर उस एक्टिविटी के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें पॉसिबल होना नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सका, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो सका तो कोई बात नहीं है, बस छोड़ दें। आप बस अपने आप को समझाएं कि भाई अगर वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता तो सिर्फ एक दरवाज़ा बंद हुआ है, बाकी हज़ारों लातादाद दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो बस उसी को बार बार खोलने की कोशिश ना करें, और दरवाज़ों जो खुले हुए हैं वहाँ पर जाएं, अपना इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करें और ये चीज़ अपने जहन से निकाल लें कि सिर्फ मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो ही मैं कामयाब हो सकता हूँ। बल्कि दुनिया बहुत बड़ी है और अभी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है और आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मेडिकल में नहीं हो सका, इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता तो खुदा रहा अपनी लाइफ को बर्बाद करना आप लोग छोड़ दें, खुदा रहा अपने आप को इस तरह से कोसना छोड़ दें और इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। तो बस यही आज की वीडियो है जिसमें बहुत देर से ये मैं बात करना चाह रहा था। तो बस आज के लिए भाई इतना ही। कुछ कहना हो आप लोगों ने, कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।